और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, नीचे जाने में दिक्कत होगी। तो मैगी या चाय पी के जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। भाई लोग नीचे जगह हैं, अभी दो लोग अभी यहीं ऊपर टॉप पे बैठे थे, मुझसे पूछा कोई आ रहा है पीछे, मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं ही एक अकेला हूँ। कहते हैं ये बंजारी लाइफ अच्छी होती है। उनके पास रेनकोट वगैरह पता नहीं है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो भीगते हुए आएंगे। बहुत समस्या है, पूरी व्यवस्था से चलिए अगर ऐसी जगह पे जा रहे हैं। और मौसम का पता है आपको कि ख़राब होना ही है, क्योंकि कल रात में ही मैंने आपको बताया था, पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि कल मौसम पूरा ख़राब ही रहेगा। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी व्यवस्था से खुद आइए आप, बाकी नज़ारे आपको अब अप्रतिम दिखेंगे। और ये सामने देवदार का वृक्ष है, वन विभाग की चौकी है। अभी ये एक मैगी और एक चाय बोला, सुबह नाश्ता करके आए नहीं थे तो अभी यहीं पर नाश्ता करेंगे। और आगे 200 मीटर का रास्ता और है जहाँ से नैनीताल का व्यू आता है, और ये वो ट्रैक जा रहा है चीना बाबा पीक तक, और चारों तरफ बादल ही बादल लग गए हैं, और यहाँ पे देवदार के वृक्ष ज़्यादा हैं, और हाइट वगैरह आपने देख ही ली। बस इतना ही यहाँ पे और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे जिस टाइम मैं पहुँचा था नीचे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया, उस टाइम अगर मैं यहाँ होता तब फिर यहाँ से अच्छा खासा व्यू आता चारों तरफ का, बट आधे घंटे की देरी सारा खेल ख़राब। अब पता ना कब उतरेंगे ये बादल। अब मज़े लेंगे पहाड़ों की मस्त मैगी का, और ये बारिश वाले मौसम का, इतनी गर्म है नीचे मास्क लगाना पड़ रहा है, नहीं तो साला हाथ जल जा रहा है, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ये रास्ता जाता है पंगोट के लिए, और ये चीना पीक के लिए, और चीना पीक से नैनीताल का व्यू अच्छा आता है। तो भैया बता रहे थे अभी, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अभी बताता हूँ मैं आपको रास्ते से। तो कहते वहाँ पे मिनटों में सेकंडों में मौसम चेंज होता है, तो एक बार इतने दूर आए हैं तो वहाँ तक भी ट्राई करिए, क्या पता आपको नैनीताल का पूरा व्यू वहाँ से देखने मिले, और बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो चलते हैं अभी। तो यहाँ पे जो गार्ड थे वन विभाग के, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ से दिखती है, मतलब कौन कौन सी पीक्स यहाँ से दिखती हैं। तो पहला तो नंदा देवी जो मैंने बताया, त्रिशूल पर्वत वो भी मैंने बताया आपको, देन इसके बाद पंचाचूली, चौखंबा और भी कई सारी बताई, यार नाम ही भूल गया मैं। ये देखिए ब्रिज, अंडर पास, और यहाँ पे स्नोफॉल का ये सीन है कि यहाँ पे 15 दिसंबर के बाद स्नोफॉल अच्छी खासी होती है, 15 दिसंबर से लेके जनवरी तक या फरवरी तक कभी कभी अच्छी खासी स्नोफॉल होती है। तो नैनीताल का या लोकल का जितना भी लोग हैं वो अधिकतर यहाँ पे आते हैं इन्जॉय करने बर्फ़बारी को, तब टूरिस्ट कम आते हैं, लोकल ज़्यादा आते हैं। ये देखिए केकड़ा एकदम काला, बिच्छू राजा। तुम भी स्कॉर्पियन, मैं भी स्कॉर्पियन, ये होता है जंगलों में, चलते चलते पता नहीं क्या मिल जाए आपको, पता नहीं कितने हो, इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए हमेशा जंगलों के रास्ते में। मुझसे बोल रहे थे कि आपको अगर पंगोट जाना है तो आप इस रास्ते में, मैंने कहा पंगोट से ही मैं आ रहा हूँ, कहते हैं अरे, कहते हैं ये रास्ते जाते पूरा जंगली रास्ता है, मस्त मज़ा आएगा आपको। और एक चीज़ बताई उन्होंने, आगे चल के बताता हूँ, यहाँ पे लेपर्ड आता है, मतलब गुल्लार। तो मैंने पूछा ट्रैक में भी आता है क्या, कहते हैं ट्रैक में तो 10 साल से मैं हूँ यहाँ पे, आज तक नहीं आया, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ जो मतलब चौकी बनी हुई थी वहाँ बताया, कहते हैं यहाँ पे 3 बार मैं देख चुका हूँ 10 साल में, और चौकी तक केवल आता है
इसके बाद लौट जाता है वो, क्यों, और पूरा दिन नहीं आता, हमेशा रात में लगभग 9 बजे के आसपास आता है वो, और सिर्फ चौकी तक आता है, इसके बाद वापस हो जाता है। तो अगर आपको लेपर्ड देखना है तो आपको 2-4 दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे भाई, ये है सीन। बाकी बर्फ़ अप्रैल तक मार्च तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब जो जमी हुई बर्फ़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हैं, विंटर्स में आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। रुकने का यहाँ पे शायद कोई सीन नहीं है, क्योंकि वही वन विभाग की चौकी है, अगर वहाँ कोई नहीं हुआ तो शायद वो रुकने को अलाउ भी कर दें, बट अगर कोई हुआ तो फिर यहाँ पे रुकने का कोई सीन नहीं है। नीचे तक एकदम घना जंगल है। ये आ गई शायद चीना पीक, नॉट चाइना, इस चीना, CHEENA, चीना पीक। यहाँ से देखते हैं अब क्या दिखता है। तब भी मैं हूँ चीना पीक पे, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं। नीचे पूरा नैनीताल दिख रहा है। एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ, तो क्लाउड्स का मूवमेंट देखिए कितनी तेज़ी से बह रहे हैं। ये रहा नैनीताल, अभी क्लाउड है इस वजह से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट जब पूरी तरीके से हट जाएंगे तब शायद अच्छे से दिखे। चलते हैं अभी थोड़ा नीचे, वहाँ से दिखाते हैं। बढ़िया आ गए भाई, भूख लग रही थी यार, मैगी वैगी खाने लगे। और यहाँ पे BSNL का नेटवर्क है और कोई नेटवर्क नहीं है, मेरे पास जियो और BSNL है, तो BSNL में तो फुल नेटवर्क आ रहा है लेकिन जियो में बिल्कुल भी नहीं है, और अभी पूरा फॉग ही फॉग हो रखा है, बादल ही बादल, चारों तरफ बादलों ने मुझे घेर लिया है। और दिल्ली के दो जो भाई थे वो चले गए वापस, अभी थोड़ी देर में हम भी निकलेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस अपने चेतक के पास, बहुत हो गया फोटो वीडियोग्राफी, अब मिलते हैं आपसे आगे ट्रैक पे। क्या व्यू थे यार यहाँ से, 200 मीटर है मात, मैं वहाँ से पहले वापस जाएँ अगर वो भैया ना बताते वन विभाग वाले, मैं वापस हो जाता, बट मज़ा आ गया। कैसा लगा आपको, आप भी बताना, अच्छा लगा हो अंगूठा दबा देना, थोड़ी देर के लिए अंगूठा चाप बन जाना, और लाल वाले बटन को कूट देना। बाकी अब चलते हैं, टाइम भी बहुत हो रहा है, अभी 11 बज रहा है, तो अभी चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया है, अब बढ़ रहे हैं नीचे अपने चेतक के पास, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 11:05 है, तो मुश्किल से 20 मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट, बाकी आपको दिखा देंगे टाइम, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, 11:05। तो देखते हैं रास्ते पर आपको दिखाते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। तो ट्रैक थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बना हुआ है, बस थोड़ा उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो संभल के थोड़ा आए, आराम से आए, रेस्ट करते हुए आए। ट्रैक में कभी भी जाएँ तो अच्छा भी हो, तब भी रेस्ट करते हुए जाएँ, ये नहीं कि आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आप चले जा रहे हो, जल्दी पहुंचना है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम लीजिए तब चलिए आप।
आती हो तो बारिश लेकर मत आना, मुझे ऋषिकेश पहुंच जाने दो, भीग जाऊंगा मैं अगर बारिश में, दिक्कत हो जाएगी स्कूटी चलाने में। तो करीब 1 किलोमीटर का रास्ता पार हो चुका है और 2 किलोमीटर अभी और बचा है, तो जल्दी ये भी 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। ओ भैया, बड़े भैया, आराम से भैया। ओ निकल गए निकल गए निकल गए। रास्ता देखना कैसा है, जंगल का रास्ता। शक्तिमान आता था उसमें, एक क्या नाम लेते थे उस जंगल का, वैसा वाला जंगल ये। बड़ा मस्त नाम था उसका, चाकाल तमराज किलबिश। हे भगवान। और यहाँ से भी थोड़ा नैनीताल का व्यू आ रहा है, बट ये थोड़ा नीचे है इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है। जो व्यू वहाँ से आ रहा था वो व्यू यहाँ से नहीं आएगा मित्र, हाइट का डिफरेंस बहुत है। एकदम सीधी ढलान है, एकदम उबड़ खाबड़ वाले पत्थर हैं, नुकीले टाइप के। ज़रा सा पैर इधर उधर हुआ ना, हालत ख़राब हो जानी है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, काई भी जमी है, फिसलन बढ़ाती है काई, और फूल पत्तियाँ पड़े हैं तो और ज़्यादा फिसलन। तो हर तरह से यहाँ संभल के ही चलना है, और खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से जितना संभल के चलो उतना ही अच्छा है आपके लिए, नहीं तो आपकी एक ज़रा सी गलती, ज़रा सी जल्दबाजी आपको दिक्कत में डाल सकती है। और ऐसे ट्रैक करना बड़ा मज़ेदार होता है, एक तो आपको नेचर के बीच में रहने का थोड़ा टाइम मिलता है, दूसरा आपको व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, तीसरा नई नई जानकारी मिलती है, चौथा आप नेचर से थोड़ा इंटरेक्ट होते हो, नए नए पशु पक्षियों को देखते हो, उनके बारे में जानते हो समझते हो, जो चीज़ें आपने कभी नहीं देखी अपने शहर में या गाँव में वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो हर जगह गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही लेके जाया जाए तो सही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जिनको नेचुरली रहने दिया जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो उनकी नेचुरलिटी चली जाएगी। जैसे जैसे वहाँ पे रोड वगैरह बनेगी या डेवलपमेंट होगा तो वहाँ की नेचुरलिटी चली जाएगी। डेवलपमेंट होना अच्छा है, तो आप उसी ट्रैक को डेवलप करिए ताकि लोग पैदल चलें, फिजिकली भी फिट रहें। नहीं तो हर जगह गाड़ी लेके जाएंगे तो आदमी हर जगह बैठे बैठे ही सब कुछ करना चाहेगा, इसलिए थोड़ा अपने शरीर को एक्टिव बनाइए। ज़रूरी नहीं है जिम में ही जाके एक्टिव हो, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, घूमिए टहलिए, ट्रैकिंग करिए। नहीं भी आपका मन है, नहीं भी कोई ट्रैक है, तो आप कुछ देर जहाँ भी घूमने गए वहाँ मार्केट एटलीस्ट पैदल टहलिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैदल टहलिए वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि आप अपना गाड़ी से टहलें, रिक्शे से टहलें, साइकिल से, बाइक से, किसी से भी टहलें, थोड़ा पैदल चलिए ताकि आप फिज़िकली भी फिट रहें। आजकल लोगों के इसीलिए इतनी बीमारियाँ लग रही हैं, क्योंकि मोस्टली आदमी बैठे बैठे ही काम करता है ऑफिस में, जब घर आता है तो भी आके सीधा बैठ जाता है, कोई काम नहीं। पहले का आदमी फिज़िकली इसीलिए फिट रहता था। थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। और टाइम हो गया अभी 11:20-15 मिनट हो गया, यहाँ से आधा किलोमीटर का ट्रैक हो बचा है। और वो रहा वो मंदिर पंगोट के रास्ते जो मिला था, तो यही नीचे ही आ गए, लगभग मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा और ट्रैक लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। और यहाँ से एक जो व्यू आ रहा है ना भाई, ये है नज़ारा यहाँ से,
गजब, थोड़ा टाइम लगा के यहाँ आइए, आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसे ट्रैक करने में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। कुछ नहीं पता आपको कि इस रास्ते पे क्या है, क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता आपको। अननोन ट्रैक में जाने का यही फायदा होता है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता ऊपर कोई है भी कि नहीं। मुझे बस इतना पता था कि कोई ठीक है, यहाँ जाना है, यहाँ से भी अच्छा मिलेगा बस। और ये भी पता था मौसम ख़राब है तो शायद ही कुछ देखने को मिले। मैंने ब्लॉग में बताया भी आपको, तो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उनको भी करना चाहिए, उनको भी इंजॉय करना चाहिए आपको। क्या पता कुछ अलग मिल जाए। कभी कभी अननोन चीज़ें आपको बड़ी सुखद अनुभव देती हैं, बड़ा ही रिलैक्स करती हैं आपको। आपको पता नहीं होता है, अचानक से जब वो चीज़ आपके सामने आती ना, तब मज़ा बहुत आती है उसको एंजॉय करने में। बाकी आपके टाइम पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा टाइम लेके आओगे आप, उतना ही ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा रिलैक्स कर पाओगे। भागा दौड़ी वाली जर्नी का कोई मतलब नहीं होता है। नीचे पहुंच ही चुके हैं, हो रही रोड, और टाइम अभी हो रहा है 35। तो आधे घंटे लगा अपने को ये ट्रैक कंप्लीट करने में, 1 घंटे जाना है, आधे घंटे आना। तो अब चलते हैं, मिलते हैं सीधा स्कूटी में, और इस थोड़ा पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, और SSL करना बिल्कुल मत भूलना।